C2H6 का नॉमन क्लेचर देखते हैं, तो हम जानते हैं दो कार्बन दिया हुआ है हमें, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऑर्गेनिक आईयूपीएसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं कितने हैं, तो 1 2 दो कार्बन हो गए। दो कार्बन के लिए हम जानते हैं क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन।